हाय फ्रेंड्स, मैं संदीप सैनी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप अपने फेसबुक अकाउंट को हमेशा के लिए परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप अपने फेसबुक अकाउंट को डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो डीएक्टिवेट के बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, दोनों के बारे में हम लाइव करके दिखाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आप अपने फेसबुक ओपन कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों थ्री लाइन पर आपको क्लिक करना होगा, तो हम इस थ्री लाइन पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना होगा। यहाँ पे आपको दिखाई देगा सेटिंग एंड प्राइवेसी, इस पर क्लिक करके आपको सेटिंग पर क्लिक कर देना होगा। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद दोस्तों तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना होगा। नीचे आपको दिखाई देगा अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सेकंड नंबर पर दिखाई देगा डिएक्टिवेशन एंड डिलीटेशन, आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, डीएक्टिवेट अकाउंट एंड डिलीट अकाउंट। दोस्तों, यहाँ पे कई लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाती है और वो अपना अकाउंट हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हैं, तो उनको पता नहीं चलता कि हम डीएक्टिवेट पर क्लिक करें या डिलीट पर क्लिक करें। दोस्तों, डीएक्टिवेट अकाउंट वो होता है कि आपका अकाउंट कुछ समय के लिए डीएक्टिवेट हो जाता है। इसके बारे में दोस्तों बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम अकाउंट को डिलीट करना जानते हैं, फेसबुक अकाउंट को हमेशा के कैसे डिलीट करें। इसके लिए दोस्तों हमें यहाँ डिलीट अकाउंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीटेशन पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीटेशन पर आपको क्लिक कर देना होगा। दोस्तों मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह की डिटेल आएगी, परमानेंटली डिलीट अकाउंट। दोस्तों ये बता रहा है कि आपके मैसेज डिलीट हो जाएंगे। अगर आप मैसेज डिलीट नहीं करना चाहते तो अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों आपकी पोस्टें भी डिलीट हो जाएंगी। आप चाहें तो अपनी डाउनलोड इन्फॉर्मेशन के थ्रू अपनी पोस्टें, डिटेल, फ़ोटो सब डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों आपने किसी ऐप्स के साथ लिंक कर रखा है फेसबुक अकाउंट को, जैसे कि दोस्तों ये वूट ऐप्स के साथ लिंक है, तो ये भी हट जाएगा अगर आप अपना अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं। और दोस्तों इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद अगर आप फिर भी अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं तो आपको ये नीचे बटन दिखाई देगा डिलीट अकाउंट, तो दोस्तों आपको इस बटन पर क्लिक कर देना होगा। सो दोस्तों हम इस बटन पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों फेसबुक आपसे कन्फर्मेशन के लिए आपके फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड पूछेगा, तो हम अपना यहाँ पासवर्ड डाल देते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना होगा। दोस्तों हम कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों जैसे कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। फेसबुक हमें कंफर्मेशन देगा कि आपका अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा अगर आप इस डिलीट अकाउंट बटन पर क्लिक करते हैं। और दोस्तों इस पर डिलीट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों फेसबुक आपको कैंसिलेशन के सिर्फ 30 डेज देगा। सो दोस्तों अगर इसके बाद भी आप अपना अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं तो आपको डिलीट अकाउंट बटन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, आपका फेसबुक अकाउंट डिलीट का शेड्यूल हो गया है, मतलब आपका अकाउंट 30 दिन के अंदर कंप्लीट डिलीट हो जाएगा। अगर आप इस अकाउंट को डिलीट होने से बचाना चाहते हैं तो आपको एक बार फिर से लॉगिन करना होगा। तो दोस्तों हम एक बार लॉगिन इसमें कर लेते हैं, फिर अब मैं आपको बताता हूं कि आप अगर आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं तो कहां पर क्लिक करना होगा 30 दिन के अंदर। अगर आप इसे कैंसिल नहीं करना चाहते तो आपको क्या करना होगा, तो इसलिए दोस्तों एक बार आप फिर से देख लीजिए इस अकाउंट को हमें लॉगिन कैसे करना है। हमें सेम अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना है, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। जैसे हम इसे पासवर्ड और यूज़र आईडी डालेंगे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अगर आप अपना 30 दिन से पहले अकाउंट रिकवर बचाना चाहते हैं, एक्टिव करना चाहते हैं, तो यस कंटिन्यू टू फेसबुक क्लिक करेंगे, नहीं तो आप लॉग आउट पर क्लिक कर देंगे तो आपका अकाउंट हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा 30 दिन के अंदर। उसके बाद दोस्तों जान लेते हैं डीएक्टिवेट अकाउंट कैसे करेंगे। इसके लिए दोस्तों हमें डीएक्टिवेट अकाउंट पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे सामने इस तरह के ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर हम कोई भी ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। हम फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, और यहाँ से दोस्तों डीएक्टिवेट योर अकाउंट के ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं। यहाँ से डेट चुन सकते हैं कितने दिन के लिए आप अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, या फिर डोंट डीएक्टिवेट ऑटोमेटिकली पर क्लिक करके दोस्तों आप ये कर सकते हैं कि आपका अकाउंट डीएक्टिवेट रहेगा जब तक आप लॉगिन नहीं करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, उसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको नीचे वो बटन दिखाई देगा डीएक्टिवेट माई अकाउंट, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। डीएक्टिवेट अकाउंट का दोस्तों मतलब ये हो गया कि आपका अकाउंट
से इनविजिबल हो जाएगा, ना तो आपकी प्रोफाइल फ़ोटो देख कोई देख सकता, ना ही आपकी शेयर फ़ोटो कोई देख सकता। और जब तक आप लॉगिन नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट दोबारा से एक्टिव नहीं होएगा। ये दोस्तों इस तरह हम फेसबुक अकाउंट को डिलीट एंड डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको कैसी लगी वीडियो? वीडियो अच्छी लगी ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, इस तरह की उस वीडियो में लाता रहता हूँ। आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, टेक्नोलॉजी को और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।